ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। बस गाइस आप लोग जो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। एंड गाइस इस वीडियो में जो हमारा कलरकेशन वाला जो पार्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गाइस मिस मत करना, वीडियो कंप्लीट वॉच करना। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो। आगे चले गए आज के इस नए वीडियो को बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज आप सभी को सबसे पहले तो गाइज इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया, तो आप लोग इजीली डाउनलोड कर लेना वीडियो को देखने के बाद जाके। अब गाइज आप लोगों को करना क्या, गाइज आप लोगों को जाना ऐड फोटो माइंड का, जहाँ से ऐड करना आप सभी को एक PNG, ठीक है। अब गाइज सारे स्टेप ध्यान से देखना, बाकी आपको जो इजीली समझ आ जाएगा इसमें कैसे एडिट करना है आपको। आपको गाइज इस PNG को ऐड करने के बाद जो आपको यहाँ पे ऐसे फुल स्क्रीन कर देना है इसको, ठीक है, इस तरीके से एंड स्क्रीन फुल स्क्रीन करके नीचे के साइड में इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को सिंपली करना है, आपको कर देना फोटो को डन एंड उसके बाद चले जाना आपको अगेन ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल का PNG, ठीक है। मॉडल का PNG जो है आप पोज वगैरह आप ध्यान से देख लेना, ठीक है, आपको इसी टाइप के पोज रखने हैं। एंड जो पोजेस में अगर आपको चेंजेस करना चाहते हो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी गाइस आपको जब आप अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड करोगे तो गाइस आप लोगों को जो यहाँ पे मॉडल कुछ इस टाइप से यहाँ पे बैठा देना है, ठीक है, इस तरीके से। एंड जो मतलब साइज वगैरह आप देख लेना कितना मैं रख रहा हूँ, उसी के हिसाब से रखना, आप ज़्यादा छोटा बड़ा मत कर देना, क्योंकि अभी आपको ऊपर की साइड में जो है एक टेक्स्ट PNG भी लगाना है, तो वो कैसे लगाना वो भी मैं बताऊंगा। तो आपको जब इतना कर दोगे तो आपको इसका इतना कर देने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे देख लेना शेडो से जो है आपका मॉडल मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं होता है तो गाइस आप लोग जो है एक शेडो यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हो, वो आपके आपके हिसाब से आप कर लेना, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे अपनी फोटो को कर देना है डन, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें हम और कोई चेंजेस नहीं करने। अब आप सभी को जाना है दोबारा ऐड फोटो में। दोबारा ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को एक बैक का ये आर्मी का PNG ऐड करना है पहले, ठीक है। ये PNG जो आपको अपने फिंगर्स पे लगाना है, ठीक है। जैसे गाइस यहाँ पे आप ऐसे ले जाओगे जैसे आप, तो आपके फिंगर्स के पास जो ये लग जाएगा। अगर नहीं लगता तो गाइस एक एक करके भी आप लगा सकते हो उसको, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको जो इसकी ओपेसिटी यहाँ पे थोड़ी सी कम कर लेनी है हल्की सी, ठीक है, ताकि जो है रियलिस्टिक सा लगे। इतना हो जाने के बाद जो आप सभी को जब इतना कर दोगे तो आपको इसको सिंपली यहाँ पर डन कर देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको दोबारा ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को एक बैक का PNG वाला, ठीक है। इस PNG को आपको रखना कहाँ गाइस वो मैं बता देता हूँ। तो ये जो PNG गाइस आप लोग यहाँ पे कुछ स्टेप से जो आपको साइड में जो कॉर्नर दिख रहा है गाइस आपको मॉडल के नीचे, वहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पे रख देना है, ठीक है। वहाँ पे शेडो पहले से क्रिएट है तो कोई दिक्कत नहीं आपको यहाँ पे, तो आप इसको इजीली इस तरीके से रख देना, ठीक है। इतना हो जाने के बाद जो आप सभी को अपनी फोटो यहाँ पे सिंपली डन कर देना है। एंड उसके बाद आपको दोबारा जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को यहाँ से कुछ PNG, ठीक है। जैसे कि एक PNG वाला करना है आपको पहले ऐड, जो कि टेक्स्ट PNG है हमारा, ठीक है। तो इसको हम ऐड करते हैं एंड बताता हूँ मैं आपको कैसे लगाना है ये, ठीक है। इसमें ग्लो भी डालना है, ठीक है। वो ग्लो जो है हम लाइटरूम ऐप में डालेंगे, तो गाइस आप लाइटरूम ऐप का जो है वो ध्यान से देखना, ठीक है, सारे पार्ट देखना, ताकि आपको जो है इजीली समझ आए एंड फोटो जो आपकी अच्छी एडिट हो पाए, ठीक है। तो आपको उसको ऊपर की साइड में इस तरीके से रख देना एंड आपको कर देना फोटो को डन, ठीक है। इतना हो जाने के बाद कर देना डन। एंड इतना हो जाने के बाद आपको दोबारा ऐड फोटो में जाना है। एक आप सभी को जो आई के पास कुछ एक PNG लगाना, ठीक है, तो कि मतलब ये वाला, तो आपको ये कैसे लगाना वो बताता हूँ। आपको जूम करना अपनी फोटो का एंड जूम करके आपको अपनी आई के पास जो है नीचे वाले साइड में आपको इस तरीके से रख देना है। एंड इसकी ओपेसिटी जो है वो भी कम रख लेना, ताकि जो है रियलिस्टिक लगे, ठीक है। उसके बाद हम इसकी ओपेसिटी रख लेंगे अराउंड 80 या 50 के पास आसपास एंड उसके बाद कर देंगे डन। अब गाइस इतना हो जाने के बाद जो है हमारा पिक्सल का काम खत्म हो जाता है, तो अब बारी आती है हमारी लाइटरूम ऐप की, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले आपको अपनी फोटो को सेव करना है एंड इसको लेकर चलना है आपको लाइटरूम ऐप में, ठीक है। तो इसको हम लाइटरूम ऐप में लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर हमने इसको सेव कर लिया। अब लाइटरूम ऐप में चलते हैं डायरेक्टली। तो लाइटरूम ऐप में जाने के बाद गाइस आपको जाना है इस लाइट वाला ऑप्शन में, ठीक है। एंड उसके बाद जब आप सभी को हाईलाइट जो है इसको यहाँ पे इंक्रीज कर देना है। एंड जो गाइस यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है इसको यहाँ पे थोड़ा सा माइनस कर देना है। एंड जो शेडो है इसको यहाँ पे हल्का सा इंक्रीज कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जहाँ पे व्हाइट है इसको यहाँ पे थोड़ा सा जो यहाँ पे कम नहीं प्लस कर देना है। एंड उसके बाद जो ब्लैक है इसको यहाँ पे माइनस कर देना है। फिर चले जाना आपको कलर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ा देना है। एंड वाइब्रेशन बढ़ाने के बाद आपको टेम्परेचर कम कर देना है। चले जाना कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर यहाँ पे आपको पहले सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंड उसके बाद जिसका सैचुरेशन माइनस करना है, ल्यूमिनस बढ़ा देना है। तो उसके बाद आप सभी को यहाँ पे भी चले जाना आपको येलो कलर में। इसका ह्यू जो है आप सभी को यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, प्लस कर देना थोड़ा सा। एंड इसको बाद सैचुरेशन माइनस एंड डार्क ब्लू में जाना। अगर आपको ब्लू कलर नहीं चाहिए होगा फोटो में तो आप माइनस कर देना। बाकी आपको जो इसका ह्यू है इसको लग देना आपको स्काई ब्लू की तरफ, ठीक है। एंड उसके बाद कर देना डन। फिर उसके बाद गाइस आपको जाना पे सिलेक्टिव टूल में, आपको यहाँ पे प्लस पे जाना है। आपको यहाँ पे सर्कल लेना है, जो कि गाइस मैंने बताया था आपको कि ऊपर आपको इसको ग्लो करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक सर्कल लेना है यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसको इस तरीके से आपको यहाँ पे बनाना है। एंड उसके बाद जो आपको अपने यहाँ पे ले जाना है टेक्स्ट के पास। एंड इतना कर देने के बाद आपको यहाँ पे लाइट में जाना है एंड इसका एक्सपोजर जो है इंक्रीज कर देना है। ओके गाइस, तो देख सकते हैं जो हमारे इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। बाकी आपको जो अच्छे से करना है यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब मैं इसका साइज बढ़ा लेता हूँ, तो इसको यहाँ पे जूम करना पड़ेगा मेरे को, तो यहाँ पे मैं इसको पहले जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको भी गाइस कुछ इसी टाइप से ही करना है, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पे इस तरीके से ग्लो डाल देना है।
एंड इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे फोटो को कर देना डन। ठीक है, अब बारी आती है हमारे इसमें थोड़ा सा मतलब कि इसमें राउंड वाले इसमें जाते हैं, ठीक है, सर्कल वाले में। एंड इसके बाद यहाँ पर हम इसका जो ह्यू है इसको रखेंगे येल्लो की साइड में, एंड इसका सैचुरेशन हम इसको इंक्रीज़ कर देंगे। एंड इसके बाद जाएंगे हम इस वाले टूल में, एंड इसके बाद यहाँ पे सैचुरेशन पर आके इसको भी ले जाएंगे येल्लो में। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे हाईलाइट्स, आपको हाईलाइट्स का सैचुरेशन इंक्रीज़ करना है, एंड इसको आप चाहो तो ब्लू कलर की तरफ भी रख सकते हो, ठीक है, बट हम इसको येलो पे रखते हैं। एंड उसके बाद कर देते हैं डन। तो गाइस फाइनली हमारी फोटो जो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ और आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि गाइस आप लोगों के लिए ऐसे कंटेंट आते रहते हैं मेरे चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, नीचे प्यार से कमेंट जरूर करना। बाकी चले मिलता हूँ सबसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।